कि सुभाष को उसका भाई जो खुद उसका बैकग्राउंड था विभीश्री का, उसने कन्फर्म किया कि मेरे भाई के मरने का मुझे डायरेक्ट प्रिसाइज प्रूफ दो। तो पंडित जी को एक्सेप्ट करना पड़ा 1962 में कि आई कैन नॉट सेंड यू एनी प्रिसाइज एंड डायरेक्ट प्रूफ। तो ये आपका सेकंड रीजन हो गया कि ये आजकल लोगों ने जुमले छोड़ने शुरू कर दिए कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ, मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता हूँ। ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ पे आप मुझे एविडेंस दिखाइए। आपके बोलने से और डिग्रियां फ्लॉन्ट करने से लोग उसी में टेंशन में आकर साहब वो तो बड़ा आदमी है, बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। ऐसा नहीं होता, आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। अमेरिकन बोल रहे हैं कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। पंडित जी को जब कन्फर्म किया गया तो वो एडमिट कर रहे हैं कि भैया कोई प्रिसाइज प्रूफ नहीं है, इनडायरेक्ट है। उसके बाद में हम आते हैं आज के मेरे को, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आज की बात करूं, मुझे इतिहास में जाने में बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। आज से 97 के आसपास की बात है कि नेताजी के 100वें साल उनके जन्म के होने वाले थे और 50वां भारत की आजादी के। तो उस टाइम पे नेता आपने तो पूछा कि सुभाष बोस के लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई थी 1990 के दशक में, कुछ खबरें फ्लोट होनी शुरू हो गई यहाँ से कि रशिया में डॉक्यूमेंट है प्राण धमकाना। तो वो लोग जिनका ये मानना था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, उन्होंने बोलना शुरू किया कि साहब नहीं, ये तो इतने साल हो गए, आप लोग बेकार में गड़े मुर्दे फाड़ रहे हो, तो टाइम हो गया, अब जो हो गया, अगर जीवित होते तो आ जाते, अब तो मर चुके हैं, अब समय आ गया कि नेताजी की अस्थियां जापान में पड़ी हैं, बड़ी शर्म की बात है, उन अस्थियों को भारत में लाने का टाइम आ गया है, तो लाके हाँ मेमोरियल खड़ा करो। इस तरह के लोगों ने जब बात स्टार्ट करी तो जब ऐसा कोई दावा हुआ, क्लेम हुआ, उस जमाने के हमारे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक अनमिटिंगली, आई थिंक मुलायम सिंह जी को पता था नहीं क्या बोल रहे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं सुभाष बोस की अस्थियां लेकर आऊंगा वहां से। तो जब ये बात हुई है तो किसी भाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोक दिया कि आप बिना ये प्रूफ किए कि ये हड्डी किसके कैसे लेकर आओगे भारत के अंदर। यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि लोग ये ना समझें कि साहब कलकत्ता है तो सारे बंगाली को नेताजी के भक्त होते हैं, नेताजी के भक्त बंगाली नहीं होते, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आजकल जितने स्टेट्स के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो स्टेट के नहीं होते, तो प्रभात शंकर मिश्रा जी जो यहाँ के थे वो वहाँ के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने मुझे क्या बताया वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ। प्रभात शंकर मिश्रा ने देखिए, ऐसा होता है कि हमारे सामने आजकल जो डिस्कशन डिबेट जो टीवी का फॉर्मेट हो गया, सारी जिंदगी का निचोड़ आपको आधे घंटे में चाहिए। टीवी की डिबेट है वो एक घंटे की होगी प्राइम टाइम पे, उसमें 6 बंदे आकर के भिड़ते हैं आपस में, तो वो जो पार्टी के प्रवक्ता आते हैं वो सारे स्पिन डॉक्टर होते हैं जिनको पता है एक दूसरे आदमी को इंसल्ट कैसे करते हैं, तो कोई निचोड़ निकल नहीं पाता। इसलिए लोगों ने देखना छोड़ दिया, आजकल सब लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं घंटे घंटे पर, कम से कम एक सुनने में तो लगे बोलकर है। प्रॉब्लम ये होती है कि कोर्ट कचहरी के सामने आप स्पिन डॉक्टरिंग नहीं कर सकते, खासकर तब जब जज को केस के बारे में मालूम हो। तो प्रभात शंकर मिश्रा ने भारत सरकार को कन्फर्म किया, और ये बात 97 की 98 की है, कि आपका स्टैंड क्या, आप बताइए दुनिया क्या बोलती है, आप छोड़ो आप क्या। तो उन्होंने ये बात को कोर्ट के ऑर्डर में एडमिट किया है कि नेताजी के प्लेन क्रैश मरने की बात बोली जाती है, लेकिन वो एविडेंस जो है कंट्राडिक्टरी है, और एविडेंस अकाउंट कैची है, कंट्राडिक्टरी है। तो उन्होंने कहा आप खुद ही इसका मतलब, जो आपने पहले जो इंक्वायरी करी थी इसको लेकर के कमेटी कमीशन की, शायद उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप इस पर फिर से इंक्वायरी करें। और बाय द टाइम ये ऑर्डर आया था तो अटल जी बिकेम तो प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री, तो फिर उन्होंने फिर वो जो प्रोटोकॉल है कि मीटिंग होती है नेताजी का मुद्दा गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में आता है, तो गृह सचिव, गृह मंत्री, सोली सराफ जी और रॉनी जनरल सब ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक नेताजी की डेथ पे कमीशन बनेगा, जो हमारे टाइम की बात कर रहे हैं, ये हम लोग 1988 की, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो उनको बोला तो उन्होंने एक रिटायर्ड जज मनोज कुमार मुखर्जी का नाम सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और मनोज कुमार मुखर्जी जो है उन्होंने 1999 से कमीशन ने काम स्टार्ट किया, 2005 में रिपोर्ट आई है। बट आई नो डायरेक्टली अबाउट दिस थिंग बिकॉज मैं उसमें इन्वॉल्व था, मेरे पत्रकार मुझे मालूम है। जस्टिस मुखर्जी ने वही काम किया कि वो जिस चीज़ को आज से 40-50 साल तक कंस्पिरेसी थ्योरी बोला जाता था, उन्होंने उसको साबित कर दिया कि वो ठीक खबर है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंक्लूज किया कि ये मैन मेड लाई, आदमी झूठ बोलता है लेकिन परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती, ये पूरी नकली कहानी नेताजी की डेथ की प्लांट की गई थी बाय नेताजी एंड हिज जापानीज फ्रेंड्स। द इंटेंशन वॉज कि दैट ही वुड हैव टू ही उनको लड़ाई कंटिन्यू करनी है भारत की आज़ादी की, तो वो रूस जाने का प्लानिंग उनका पूरा था, और मुखर्जी ने बोला कि प्लेन क्रैश की स्टकी नकली स्टोरी का प्लान किया गया। नेताजी रूस की तरफ को गए लेकिन वो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे ये मेरे को नहीं पता, बेसिकली रीजन था कि वो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड उनको नहीं दिखाए गए रशिया के अंदर, वो एक अलग लंबी चौड़ी कहानी है। तो लेकिन वो उन्होंने कहा मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वो रशिया पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन ताइवान में उनकी डेथ और ये प्लेन क्रैश की स्टोरी जो है ये मुखर्जी कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। तो दिस बिकम्स ए वेरी गुड रीजन फॉर यू टू अगेन सपोर्ट द व्यू दैट द प्लेन क्रैश इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट पूरी इस कहानी के अंदर भारत सरकार के वकील ने भी ये स्टैंड दिया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, और मैं इससे कि भारत सरकार जो कमीशन के सामने आर्गूमेंट सेशन हुआ था वो हुआ था आपका फरवरी 2005, जब मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी प्रधानमंत्री थे 6 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट स्टैंड लिया। तो नंबर वन,
इसी कार्रवाई के अंदर जो मुखर्जी कमीशन की जो ये जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने आप में पूरे चैप्टर्स हैं, फटाफट इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। एक चीज जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में कि 1946 से जब हम लोग एक मूड में आ गए थे कि भारत छूटने वाला है अंग्रेजों से, तो एक के बाद कमीशन काम चल रहा था। हमें लगा कि हम लोग तो नए जनरेशन के लोग, क्या क्यों बेकार की तुम ये रिसर्च कर रहे हो, ये तो डीएनए टेस्ट करवाओ खत्म करो उसको, इसमें है क्या कि इसमें क्या आप क्यों आप इसमें रिसर्च करने की जरूरत क्या है, तो डीएनए टेस्ट किया गया। तो डीएनए टेस्ट की कहानी ये है कि ऑब्वियसली जस्टिस मुखर्जी नो सुप्रीम कोर्ट में जैसे उनको पता डीएनए टेस्ट क्या होता है। तो हुआ क्या, पहली चीज आप ये समझिए कि जो हमारे नेताजी की जो अस्थियाँ बताई जाती हैं जापान में, ये आपको पॉइंट मिलेगा नहीं बहुत जगह में क्योंकि और टेक्निकल पॉइंट है, ये अस्थियाँ हमारे पास ही है, मतलब इन द सेंस कि 1951-52 में भारत का जो हमारी एम्बेसी थी एम्बेसडर था उसने इसको पोजीशन में ले लिया अपने और पुजारी को बोला कि तू उसकी फिजिकल पोजीशन रख, कस्टडी हमारे पास में। तो टेक्निकली ये अस्थियां भारतीय दूतावास के कब्जे में है, फिजिकल पोजीशन जो है वो कस्टडी या जो भी बोलिए वो मंदिर के पुजारी के पास में है और उस पुजारी को हम लोग पैसे खिलाते हैं। ये बाद में सीक्रेट फॉर्म में निकल के आया कि वो पैसे लेता है, इस बात की उसका भी धंधा पानी से चलता रहता है कि पैसे मिलते हैं और इंपॉर्टेंस मिल भी जाती है, पीछे से प्रधानमंत्रियों की विजिट जाती है वहां पर। लेकिन बेसिकली अस्थियां हमारे पास में, इसका मतलब ये कि अगर नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाना है कल सुबह हो जाए, कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई बीच में जापान वपान कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वो जापान में पड़ी है। जापान 1945 के बाद में एक नया कंट्री बन चुका है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को डिसोन कर दिया है, वो तो चाहते हैं कि सारा ये उठा के भागे यहाँ से, लोगों ने कोई मतलब नहीं है 45 के जापान, जो पहले का जापान और आपका जापान दो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे जर्मनी ने अपना आपको डिसोन कर दिया हिटलर की जर्मनी को, वैसे उन्होंने डिसोन करा हुआ है। तो ये था कि ये अस्थियों में डीएनए टेस्ट आराम से हो सकता है। मुखर्जी वहां जाते हैं और मुखर्जी कहते हैं कि अस्थि कलश खोल के मुझे दिखाया जाए, लेकिन कुछ मुझे पता नहीं कि रियल कारण थे या बहाना था, नहीं दिखाया गया। फिर उन्होंने अपनी हमारी एम्बेसी को बताया कि आप इसको खोल के इसकी फोटो खिंचवा के मुझे भेजिए, तो उन्होंने खोल के इसके फोटोग्राफ खींच करके हाई रेजोल्यूशन में, जो भी उस टाइम पे अच्छे कैमरे थे, ये 2002-03 की बात है, और ये जस्टिस मुखर्जी ने जाने माने डीएनए एक्सपर्ट भारत में लालजी सिंह, अभी उनकी मैं फोटोग्राफ देख रहा था यहाँ पे, चलो उनका नाम भी यहाँ लिखा है, डॉक्टर लालजी सिंह सीडीएफ भी हैदराबाद के थे वो, और अमेरिकन थे एक टेरी मिल्टन, और एक थोड़े नाम भूलो, बड़े जाने माने इंग्लैंड के बड़े पायनियरिंग डीएनए थे एलेक जेफरीज इंग्लैंड, उनको इन सबको दिखाई ये फोटोग्राफ्स, और उन सब एक्सपर्ट्स ने यही व्यू दिया कि ये हड्डियाँ जली हुई हैं, तो डीएनए होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, कि हड्डी पुरानी हो इवन डायनासोर की तो उसका डीएनए निकाल दो गया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही कि ये जली हुई हड्डियाँ हैं, बॉडी को जलाया गया तो इसमें से कुछ नहीं निकाली। लेकिन ऑफ द सेम टेरी मिल्टन मैडम ने बोला कि मैं उम्मीद तो मुझे नहीं है कि मैं ये टेस्ट करा मतलब कुछ निकलेगा, बट नंदनलेस आई कैन ट्राई एंड गिव इट अ शॉट, और इसमें एक मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट मैं कर सकती हूँ। मिथोकॉन्ड्रियल आपको पता होगा, आप में से कई चौबे जी बैठे हैं, मैं और क्या आपके सामने क्या बोलूँ मिथोकॉन्ड्रियल क्या होता है, मुझे तो खुद नहीं पता। जो मेरी समझ है एज अ नॉर्मल पर्सन की, मिथोकॉन्ड्रियल होता है कि आपकी माँ से बेटी में आता है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेताजी की बहनों का कुछ सैंपल अवेलेबल उनकी साइड में था, बहनों के बच्चों का, तो वो अवेलेबल था मुखर्जी कमीशन के सामने। तो उन्होंने कहा कि मैं मिथोकॉन्ड्रियल टेस्ट ट्राई कर सकती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं क्या निकल के आएगा, बट आई विल ट्राई एंड गिव इट अ शॉट। बट बिफोर उसने कंडीशन पुटी कि आप किसी इसका इन रिमेन्स का एक एंथ्रोपोलॉजिकल वैल्यूएशन करके इसकी रिपोर्ट में कर दीजिए। एंथ्रोपोलॉजिकल वैल्यूएशन का मतलब ये कि ये मालूम चल जाएगा भाई ये आदमी हड्डियाँ हैं किसकी, जानवर की, इंसान की हड्डी, इंसान की। इनफैक्ट इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसमें मतलब और ही फोटोग्राफ थे, लोअर जॉ बोन आपको साफ दिखाई देगी और ये स्कल के टुकड़े हैं करके। तो कोई भी अच्छा एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट आपको बता देगा कि साहब ये आदमी है, औरत है, मतलब बहुत मतलब लेडीज तो बहुत कॉमन सी बात है। जैसे ये मुझे बताया किसी ने कि जो स्कल का जो ये टुकड़ा क्रैनियम जो होता है, फीमेल अगर लंबी भी होगी वो तब भी ये पतला होता है, मेल का मोटा होता है। तो देयर आर वेरियस वेज टू फाइंड आउट कि आदमी कौन है, कॉकेशियन रेस का है कि एशियन रेस का है कि कहाँ का है। तो बेसिकली फ्रांसिक एंथ्रोपोलॉजी के एवोल्यूशन से काफ़ी कहानी क्लियर हो सकती है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो कि भाई, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था पूछना कि मुखर्जी कमीशन को एक एविडेंस बड़ा क्लियर मिलना शुरू हो गया था कि ये हड्डियाँ एक्चुअली में एक जापानी सोल्जर की हैं जिसका नाम था इचिरो ओकोरा, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था। क्योंकि आपने अगर स्टोरी प्लांट करनी यू हैव टू बी डेड बॉडी, तो हॉस्पिटल में बंदा मरा उसकी बॉडी को नेताजी बना करके फूक दिया, तो ये हड्डियाँ इचिरो ओकोरा की हड्डियाँ हैं। और इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम को ये क्लियर एविडेंस उनको मिला, मतलब
डॉक्यूमेंट्री वेरी क्लियर, इसीलिए फोटोग्राफ नहीं देगी शरीर शक्ल की, उन्होंने फोटोग्राफ नहीं दी, उसका लेने का मतलब क्या बिना पूरा कपड़ा ढका हुआ है। तो अब सवाल ये होता है कि भी नेताजी की हड्डियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा। सवाल उसका आंसर ये है कि मुखर्जी कमीशन ने ये कन्वे करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, विदेश मंत्रालय को, कि टेरी मिल्टन इज विलिंग टू डू द टेस्ट। उसका आंसर ये कि सरकार ने आगे कुछ नहीं किया, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं एब्सोल्युटली आई एम अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, मैं तो चाहता हूँ उसका पूरा टेस्टिंग हो, हाँ, लेकिन हमारी कंडीशन है, आपको समझ में आएगा बाद में, कि वो टेस्टिंग हो किसी विदेश में होनी चाहिए, किसी अमेरिकन लैब में, मुझे देसी नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये केस बड़ा पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव है। और ये एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें रीजन दिया कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती। और ये 2016 का जो मुझे पूछा कि भाई क्यों इंडिया एकदम से आजाद हो गया, तो बाबा साहब आवाज सुनिए, ये कोई जब आप लिखित में लिखते हैं आप लोग बोलते हैं कि आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, चलो कॉन्टेक्स्ट को मारोगे, मैं आपको पूरी बाइट सुना देता हूँ, पूरी बाइट है, अंग्रेजी के अंदर है, बाबा साहब बोलेंगे उसमें इंग्लिश में कि मुझे नहीं मालूम कि क्लीमेंट एटली जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सडनली कैसे ये फैसला दे दिया हमको छोड़ने का, और वो आपको रीजन बताएंगे कि भारत आजाद कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आई डू नॉट नो हाउ सडनली मिस्टर एक्ले एग्रीड इज इट टू गिव इंडिपेंडेंस, दैट्स अ मैटर ऑफ सीक्रेट व्हिच मिस्टर एक्ले वन डे आई थिंक विल डिस्क्लोज in his autobiography, how he came to there, is it? Nobody ever expected. This is such a sudden change of front. Nobody ever expected. It seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, is it, to the Labour Party to take this decision. One is the National Army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, you see, in this country, and whatever the politician may do, they will never be able, you see, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces, you see, when they found that even the soldier was being seduced, you see, and to form a party or a battalion to blow off the British. Then I think the British came to the conclusion that if they were to rule India, the only basis on which they could rule was the maintenance of the British Army. Going back to the year 1857, when the Indian soldier rebelled against the East India Company. And they found that it would never be possible for the British to supply India with enough European troops. I do not know. और उस आदमी आप सोचिए सुभाष बोस जिसमें से इंडिया आजाद हुआ था, अहिंसा से तो किरायेदार नहीं खाली छोड़ता मकान।